हाय गाइस, वेलकम टू सत्या स्टडी जंक्शन। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे यूक्रेन की सस्ती पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनने के लिए स्टूडेंट का क्या भविष्य होता है। मध्य प्रदेश सहित देश भर में सैकड़ों स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन जाते हैं। आपको यह सुनकर तो अच्छा लगता होगा कि हमारे देश की अपेक्षा यूक्रेन में स्टूडेंट कम पैसे में ही डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन क्या आपको इस सच्चाई के बारे में मालूम है कि वहाँ से डॉक्टर बनकर आने के बाद भी इंडिया में उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है, जब तक कि वे यहाँ पर होने वाले एक टेस्ट को पास नहीं कर लेते। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि यूक्रेन सहित अन्य देशों से डॉक्टर बनकर आने वाले हज़ारों स्टूडेंट में से महज चंद स्टूडेंट ही डॉक्टर बन पाते हैं। बाकी के स्टूडेंट MBBS करने के बाद भी इंडिया में कंपाउंडर या किसी डॉक्टर के असिस्टेंट का काम करने को मजबूर हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच ज़्यादा चर्चा वहाँ फंसे हुए मेडिकल स्टूडेंट्स की है। ये छात्र यूक्रेन में MBBS करने गए थे और फंस गए, लेकिन विदेशों से डिग्री लेने वालों का एक दूसरा पहलू भी है जो चिंताजनक है। 15 सालों में 8,000 में से सिर्फ 348 ही डॉक्टर बने हैं। पिछले 15 साल से विदेश से MBBS की डिग्री लेने वाले मध्य प्रदेश में करीब 8,000 छात्र हैं, लेकिन वे या तो कंपाउंडर का काम कर रहे हैं या किसी डॉक्टर के असिस्टेंट बन गए हैं। दरअसल इन छात्रों ने यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, बिस्बैक, किर्गिस्तान से 20-20 लाख रुपए की फीस देकर MBBS की डिग्री ले ली, लेकिन ये छात्र भारत में डॉक्टरी के लाइसेंस के लिए ज़रूरी स्क्रीनिंग टेस्ट या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट FMG टेस्ट पास नहीं कर पाए। चिकित्सा शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 15 साल में 348 छात्री ऐसे हैं जिनके पास डॉक्टरी करने का लाइसेंस है। बांग्लादेश और म्यांमार शहर में कई एजेंसियां ऐसी हैं जो नीट काउंसलिंग में असफल छात्रों को विदेश में MBBS कराने का झांसा देती है। सिर्फ रशियन देश ही नहीं, इन संस्थाओं ने बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से MBBS का प्रचार करना शुरू कर दिया है। इन संस्थाओं के एजेंट बाहर के छात्रों पर नज़र रखते हैं और वे विदेश से डिग्री के लिए छात्रों का पासपोर्ट, वीज़ा से लेकर 5 साल रहने खाने की व्यवस्था भी करते हैं। भारत में इन देशों की डिग्री मान्य नहीं है। दोनों देश के पाठ्यक्रम में अंतर होने से अधिकतर छात्र FMG टेस्ट में फेल होते हैं। विदेश और हमारे देश में भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण के आधार पर कई असमानताएँ हैं। यूक्रेन और अन्य देश ठंडे स्थान हैं, हमारे देश में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। वहाँ और यहाँ की बीमारियों से लेकर दवाओं और इलाज के तरीकों में अंतर है। ऐसे में छात्र MBBS होते हुए भी यहाँ की परीक्षा पास नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, आपने जान ही लिया होगा यूक्रेन की पढ़ाई की सच्चाई क्या है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।